अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का रोष लगातार जारी है। देश के कई हिस्सों में अग्निपथ के विरोध में हिंसक घटनाएं भी हुई हैं, जिसका विरोध अंबाला में भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के द्वारा शंभू टोल प्लाजा को फ्री करवाया गया। युवाओं के द्वारा शहर के अग्रसेन चौक पर प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं एसपी अंबाला जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि धरने का ऐलान किया गया था, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया। साधना टीवी की टीम पहुंची है इस टाइम एसपी ऑफिस जशन सिंह रंधावा जी के पास। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर देखा जा रहा है अग्निपथ को लेकर आज जो युवा हैं, छात्र हैं, वो सड़कों पर उतरे हैं सर, जैसे अग्रसेन चौक वगैरह पे। सर इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ संस्थाओं ने आज विरोध प्रदर्शन करने की कॉल दे रखी थी, जिसके ऊपर पुलिस की टीम सारी मुस्तैदी से कल से लगी हुई हैं, और हमने सब ऐसी संस्थाओं से मीटिंग भी की है और उनको हमने आगाह भी किया कि किसी तरीके से भी कानून को अपने हाथ में ना लें और जोश में अपना युवा कहीं होश ना खो बैठे। इसलिए हमने उनको उनसे कल मीटिंग्स की और काफ़ी संस्थाओं ने अपनी मीटिंग्स को कॉल ऑफ भी किया, अपनी प्रदर्शन को कॉल ऑफ किया, और हमने उनको ये भी आगाह किया है कि आपने कोई भी प्रदर्शन करना है तो कानून के दायरे में रह के करें, हमारे से पहले प्रशासन से परमिशन लें। तो उसके अंतर्गत हमने आज काफ़ी हद तक हमने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल किया। कुछ लोगों ने आज टोल के ऊपर प्रदर्शन किया, वहाँ पे भी हमने पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात कर रखा है और सिचुएशन जो है बिल्कुल पीसफुल है। सर सोशल मीडिया के अंदर देखा जा रहा है कि अंबाला के अंदर धारा 144 लागू हो गई है। सोशल मीडिया पे कुछ ये भी वायरल हो रहा है कि अंबाला की जो रोडवेज बसों को भी आग लगाया जाएगा। सर इसके विषय में क्या कहना चाहिए? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल हमारे नोटिस में आया था कि कुछ लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हैं, फेसबुक पे हैं, हम उनको सबको हमने हमारी जो सोशल मीडिया सेल है उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी सर्वेलेंस कर रहे हैं। और कल हमारे नोटिस में आया था कि ऐसे ही एक ग्रुप के अंदर किसी ने बसों को जलाने की बात की थी और अन्य और ऐसी प्रोवोकेटिव और भड़काऊ बयान उसने उस ग्रुप के अंदर दिए थे। इसी के ऊपर ही हमने सदर अंबाला पुलिस स्टेशन के अंदर 153 आईपीसी के अंदर मुकदमा दर्ज किया और उसमें जिस बंदे ने ये डाला था उसको हमने अरेस्ट किया। हमने उसके अंदर जो उस ग्रुप को चला रहे थे, चाहे वो एडमिन थे उसके या जिन्होंने क्रिएट किया था, उनको खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया और आगे कार्रवाई की जाएगी। देखते रहे साधना न्यूज। अंबाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।